Hey guys, तो कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में बात करेंगे Realme 3 Pro के बारे में। तो मेरे लास्ट वीडियो में जितने सारे कमेंट्स आए थे उनमें से ज़्यादातर कमेंट ये थे कि आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, ये कोई बीटा अपडेट रोल आउट नहीं हो रहा है कि आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको मिला नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेबल अपडेट है। पहले C1 का आया था, फिर C2 का आया, क्योंकि C1 में बहुत सारे बग्स थे। जिनको C1 पहले मिल चुका था उनको भी फिर एक अपडेट मिला 500 MB का। तो मैं यहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म दिखा रहा हूँ जो कि ट्विटर हैंडल पर सिद्धार्थ, आपको पता होगा आस्क मतलब एपिसोड जो करते हैं, उन्होंने किसी एक यूज़र को ये आंसर दिया कि उनको ऑब्वियसली जो यूज़र है उनको नहीं मिला था। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते, तो उन्होंने ये गूगल फॉर्म का लिंक शायद दिया है ट्विटर हैंडल पे, और मैं सेम लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर आपको IMEI नंबर 1 और 2 का लोकेशन डालना है, आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, और आपका फ़ोन का मॉडल कौन सा है, आपका नाम डालना है, ये सारे फिलअप करके आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, इस फॉर्म को फिलअप करने का मतलब ये नहीं कि आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, लेकिन आप प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे। तो मेरे बात को यहाँ पर ध्यान से गौर कीजिए, आप प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे और आपको शायद यहाँ पर मिल जाइए। XT और 3 प्रो दोनों के लिए है। तो फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे वीडियो में बताऊँगा कुछ फीचर्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताए थे, जो कि मुझे यूज़ करते टाइम मुझे यहाँ पर नज़र आए और जिनके बारे में बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पर अब सेटिंग्स पैनल में आपको एक सर्च बार मिलता है जो कि पहले नहीं था। सेटिंग्स पैनल में एक सर्च बार अब आपको मिल जाता है, लेकिन वो सर्च बार बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, अगर आप सर्च करोगे तभी आपको जो है यहाँ पर ऑप्शंस के यहाँ पर आपको जो है रिज़ल्ट निकाल के देगा, अदरवाइज़ आपको वो नहीं मिलने वाला है। मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जैसा कि बहुत सारे यूज़र्स का ये कमेंट था कि यहाँ पर क्या इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो, तो पहला वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड सिस्टम साउंड। तो आपको यहाँ पर ये वाली ऑप्शन ऑन करके रखनी है और आप इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो वाइल गेमिंग पबजी वगैरह करते हैं तो। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, आपको जो फ्रंट कैमरा का फुटेज चाहिए वाइल गेमिंग, तो आपको यहाँ पर एक फ्रंट कैमरा ऑन करने का भी ऑप्शन नीचे मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। वैसे आप जो रेजोल्यूशन है वो हाई में मतलब 1080p में मैक्सिमम कर सकते हो और फ्रंट कैमरा को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर वाइल इंटरनल साउंड भी आपका रिकॉर्ड होगा और आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपका जो फेस का फुटेज भी आप यहाँ पर डाल सकते हो वाइल स्ट्रीमिंग। तो कैसे करना है आपको मैंने बता दिया और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने ऑन किया स्क्रीन रिकॉर्ड करना, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर जो फुटेज यहाँ पर आ जाएगी। तो इतना था यहाँ पर। और कैमरा के रिगार्डिंग मैंने एक जो चीज़ नोटिस करी यहाँ पर, कैमरा में चलते हैं, कैमरा में यहाँ पर आपको जो है अब जो जूम इन करने का जो ऑप्शन था, डिजिटल जूम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1x 2x होता था, अब आपको यहाँ पर 5x का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, तो यहाँ पर अभी 5x का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और फ्रंट कैमरा में जो नाइट स्केप मोड पहले काम करती थी, अब मुझे यहाँ पर करेक्ट कर देना, मुझे जितना लगता है कि नाइटस्केप मोड पहले फ्रंट कैमरा में किसी एक अपडेट में आई थी, तो अब मुझे करेक्ट कर देना और शायद यहाँ पर अपडेट के बाद रियलमी UI अपडेट के बाद वो अब देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पर प्राइवेसी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बताया तो था, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताई वो थी यहाँ पर प्रिवेंट पर्सनल डाटा लीकेज वाली ये जो ऑप्शन है स्मार्ट प्रोटेक्शन वाली, जिसमें आपका रैंडम मैक एड्रेस जो जनरेट होते रहता है वाइल जब आप वाईफाई वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो, और आपकी डेटा को जो है यहाँ पर सेफ़ रखता है, तो उसके लिए आपको वो वाली ऑप्शन ऑन रखनी है। और ये जो सारे ऑप्शन आप देख पा रहे हो प्रोटेक्ट कॉल हिस्ट्री और आपका जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो जितने सारे ऐप शेयर कर रही है, ये वाली ये नीचे वाली सारे ऑप्शन पहले भी थी। तो प्रोटेक्ट कॉन्टैक्ट और प्रोटेक्ट आपका कॉल हिस्ट्री, प्रोटेक्ट आपका मैसेज, जितने जो सारे ऐप जो यहाँ पर आपके अपने परमिशन दे के रखें, तो आप मैनुअली जाके उनको यहाँ पर बंद करके रख सकते हो। जैसे कि आपको शेयर इट को क्यों देना है आपका कॉल हिस्ट्री, या आप क्यों यहाँ पर आपका मैसेजेस का यहाँ पर हिस्ट्री क्यों देंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स ने यहाँ पर परमिशन ले के रखी है आप देखेंगे यहाँ पर, तो शेयर इट, शेयर मी और मी रिमोट, ये सारे जो है यहाँ पर, ये रिंगटोन वॉलपेपर वाली ऐप, तो यहाँ पर इन सारे ऐप्स को आपको अपने कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है, तो आप मैनुअली जाकर बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ की मैं बात करूँगा जो कि है बेंचमार्किंग। मैंने एंटीटू बेंचमार्किंग बताई थी 2,10,000 की, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको जो है गीक बेंच 392 का सिंगल कोर, 1341 का मल्टी कोर स्कोर यहाँ पर निकल गया था, जो कि बढ़िया है, पहले से बहुत ज़्यादा है। नेविगेशन बटन में मैंने आपको बताया था जो एंड्रॉयड 10 के जो जेस्चर्स हैं वो रिटेंड है रियलमी UI में भी, और आप देखेंगे ये वाली जो जेस्चर है
स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड्स, इसमें आप जो इस तरह से स्लाइड करके भी ऐप में स्विच कर पाओगे, जो कि मेरे ख्याल से बढ़िया है। और ये एंड्रॉयड 10 का जो है कोर फीचर है। और जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा, आप इस तरह से स्लाइड करके भी जो है, अगर आपने जितने सारे टैब्स यहाँ पर खोल के रखें रिसेंट पैनल में, आप इस तरह से अगर राइट वाले में जाना है तो आप ऐसे ऊपर, मतलब इस तरह से स्विंग करके राइट में जा सकते हो, और अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो आप इस तरह से स्विंग करके लेफ्ट वाली ऐप में जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने यूज़ करने के बाद यहाँ पर नोटिस करी और मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया लगा। अब नेविगेशन जेस्चर ऑप्शन में यहाँ पर पुल डाउन टू एंटर 100 मोड वाली एक ऑप्शन आती है। ये 100 मोड वाली ऑप्शन पहले भी थी, अब यहाँ पर मैं आपको करके एक बार बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप बॉटम से पुल डाउन करोगे, यहाँ पर 100 मोड में आप जा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप जो है यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन को। वाईफाई कॉलिंग के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, वाईफाई कॉलिंग का फीचर अब जो है बहुत जोर शोरों से जो है न्यूज़ में है, और वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन क्या आपको रियलमी 3 प्रो में मिलता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा रियलमी 3 प्रो में, और आप डायरेक्ट मैं यहाँ पर सेटिंग्स में लेके जाके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हालांकि रियलमी XT में शायद ये ऑप्शन आपको मिल सकता है रियलमी UI के अपडेट के साथ, और शायद फ्यूचर में रियलमी 3 प्रो में मिल जाए, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर जो है ऑप्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिखी। और एड्स का भी कोई यहाँ पर एडिशनल ऑप्शन में जाके, एडिशनल सेटिंग्स में जाके यहाँ पर रिकमेंडेशन को बंद करने का एक ऑप्शन है अगर आपके UI में जो है एड्स आते हैं, लेकिन अभी तक Realme 3 Pro में अगर मैं कोई नया ऐप इंस्टॉल भी करता हूँ प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर स्कैनिंग होकर मुझे वहाँ पर एड्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ पेज वहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो अच्छी बात है कि अभी तक Realme 3 Pro में कुछ एड्स देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिला है। मैं आइकन स्टाइल की अगर बात करूँ, तो मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी आइकन पैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्ट प्लस आइकन में क्लियरली लिखा हुआ है यूज़ आइकन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी डिज़ाइनर्स। तो मुझे यहाँ पर लगा जो थर्ड पार्टी आइकन पैक अगर हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर आप जो अप्लाई कर पाओगे, लेकिन मैंने इसे ट्राई किया और यहाँ पर वो जो है यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा था, और मैं यहाँ पर अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कुछ दिखता है, मुझे लगता है वो ये जो लॉन्चर है वो थर्ड पार्टी ऐप्स को, आइकन पैक्स को यहाँ पर शायद सपोर्ट कर सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, लेकिन अभी के लिए तो मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन जो है काम करती हुई नहीं दिखी। और आप यहाँ पर कस्टम और पेबल और मटेरियल स्टाइल में ही यहाँ पर आप चेंज कर पाओगे। थर्ड पार्टी ऐप्स अगर, आइकन ऐप्स अगर करती हैं, तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर यहाँ पर बताऊँगा। फोकस मोड के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, फोकस मोड के बारे में मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया था। तो फोकस मोड में जाके आप यहाँ पर जो है फोकस मोड को सेट कर पाओगे, जेन मोड की तरह है कुछ हद तक। जेन मोड की तरह इतनी एग्रेसिव नहीं है, जेन मोड आपको देखने के लिए मिलता है ऑक्सीजन ओएस में, वन प्लस डिवाइसेस में, जहाँ पर आप 30 मिनट्स के लिए कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह किसी भी ऐप से आपको नहीं आएंगे, और उसे ऑन करने के बाद आप 30 मिनट्स तक जो है जेन मोड को ऑफ नहीं कर पाओगे, ओनली कॉल एंड मैसेजिंग फीचर्स जो है चलती है। तो फोकस मोड में आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कितनी देर तक आप फोकस मोड को यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर उसे आप सेटअप कर सकते हैं, और जो नोटिफिकेशन वगैरह है उसे आप बंद कर सकते हो। आप फोकस मोड में अगर लॉन्ग टैप करते हैं, लॉन्ग टैप करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, वैसे ये डिजिटल वेलबिंग का ही फीचर है, और फोकस मोड में जाके यहाँ पर नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हो, सारे ऐप्स को यहाँ पर जो है वन बाय वन आप जो है सिलेक्ट करके फोकस मोड में यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप फोकस मोड में जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ नेचुरल साउंड्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और वो जो साउंड्स हैं वो प्ले होते रहेंगी और जितना टाइम आपने सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर आपको एक बता देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर फोकस मोड को ऑन किया जो कि 25 मिनट्स के लिए सेट है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, समर नाइट, फिर यहाँ पर वेव्स, और यहाँ पर वेट फील्ड का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। और जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पर जो है मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, तो आपने यहाँ पर तीन तरह के साउंड इफ़ेक्ट्स देखे। और अगर आप कुछ चीज़ों में यहाँ पर जो है अपना फोकस जो है एकदम लॉक करना चाहते हो, या आप पूरी तरह से किसी भी तरह के नोटिफिकेशन सोशल मीडिया से एकदम डिसकनेक्ट होना चाहते हो, तो इस तरह के मोड्स जो कि एक सोशल वेलबींग का या डिजिटल वेलबींग का ही एक हिस्सा है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद करने वाली है।
और मुझे ये वाली फ़ीचर बहुत यहाँ पर बढ़िया लगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वो वाली फॉर्म जो मैंने आपको वीडियो के पहले बताई वो फिलअप करके जो है आपको अपडेट मिल जाता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना यहाँ पर। और इतने सारे फीचर्स जो मैंने यहाँ पर वॉच आउट किए इस वीडियो में वो मुझे देखने के लिए मिले, और कैमरा वाली वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।